श्री गुरुभ्यो नमः। सभी दर्शकों को ज्योतिषाचार्य तेजराज किंगर का सादर नमस्कार। प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिणाचार या फिर दक्षिण पंथ और वाम पंथ ये क्या है और इसमें फर्क क्या है। इस चीज को समझने के लिए पहले पंथ का मतलब समझना होगा या फिर आचार शब्द को समझना होगा। देखिए, पंथ और मार्ग इसमें फर्क है। मार्ग वो होता है जहाँ से मैक्सिमम लोग चलते हैं और पंथ वो होता है जहाँ पे कुछ लोग चल के एक पगडंडी बनाते हैं, उसे पंथ कहा जाता है। समझ रहे हैं आप? मतलब एक है हाईवे और दूसरा है एक छोटी सी गली या फिर एक छोटा सा रास्ता जहाँ से कुछ ही लोग जा पाते हैं, तो उसको पंथ कहा जाता है। जैसे कि इन लोगों ने कुछ क्रियाओं से अगर अनुभूति पाई है तो वो अपना अनुभव अपने शिष्यों के साथ शेयर करेंगे और वो अपने शिष्यों के साथ शेयर करेंगे और धीरे धीरे वो एक काफिला बनता जाएगा, उसे पंथ कहा जाता है। मार्ग या फिर आचार ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आचार का मतलब है आचार और विचार। जैसे आचार का मतलब है जो क्रिया मैं करता हूँ और जिसके रिजल्ट मुझको मिलते हैं उसे कहते हैं आचार। अगर मैं कोई चोरी करूँगा तो मुझको सजा मिलेगी, या फिर मैं कोई अच्छा काम करूँगा, मेरे आचार अच्छे रहेंगे, मेरे विचार अच्छे रहेंगे तो मुझको सराहा जाएगा, उसे कहते हैं आचार। ये दक्षिणाचार या फिर दक्षिण पंथ और वाम पंथ क्या है, इसको समझने के लिए पहले हमको दक्षिण और वाम इन शब्दों को भी समझना पड़ेगा। दक्षिण मतलब राइट, द राइट हैंड एंड द लेफ्ट हैंड। दक्षिणाचार या फिर दक्षिण पंथ को राइट हैंडेड कल्ट कह सकते हैं और वामाचार को लेफ्ट हैंडेड कल्ट या फिर लेफ्ट हैंडेड आचार वामाचार कह सकते हैं। जो ट्रेडिशनली एक्सेप्ट किया गया है बाय मास, मतलब बहुत सारे मैक्सिमम लोगों ने जिसको एक्सेप्ट किया हुआ है, अंगीकृत किया गया है, उसको कहते हैं दक्षिणाचार या फिर दक्षिण पंथ। और ये दोनों पंथों का मतलब या फिर हासिल करने की चीज़ एक ही है, उसको कहते हैं मोक्ष या फिर एनलाइटनमेंट। तो जब ये सवाल उठा कि ईश्वर है या नहीं, या फिर ऐसी कोई पारलौकिक शक्ति है जो हमें रास्ता दिखाती है या फिर हमें मोक्ष प्रदान करती है और उसके पाने के तरीके क्या है, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जिनमें से कुछ लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किए वो मास को या फिर लोगों को अच्छे लगे, क्योंकि वो लोगों को अपील करने वाले थे। जैसे अच्छा बर्ताव करना, नामस्मरण करना, भक्ति रस, ये सब जो है वो दक्षिणाचार में आता है। जैसे वैदिक परंपरा, जैसे जिसे कहते हैं कर्मकांड, वो सब दक्षिणाचार या फिर दक्षिण पंथ में आता है, जहाँ पे श्रुति और स्मृति ये दो पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वेदों का इसमें बहुत बड़ा महत्व है, वेदों से निकाले गए उपनिषदों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है और बहुत सारे संतों ने जिस तरह से बर्ताव करने के लिए कहा उसका बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे अगर मैं वैष्णव हूँ तो मैं नाम लगाऊंगा वैष्णव तरीके से, वैष्णव तरीके से पूजा करूँगा, वैष्णव तरीके से आचार रखूंगा, जैसे मद या फिर मांस नहीं खाऊंगा, या फिर तुलसी की धारा माला अर्पण करूंगा, या फिर मैं खुद पहनूंगा। ये सब जो चीज़ें हैं वो दक्षिण पंथ में आती है, दक्षिणाचार में आते हैं और उनका भी अल्टीमेट गोल यही होता है कि एक अपनी ड्यूटी को, अपने परमेश्वर को पाना। इस पंथ में कितने सेक्ट आते हैं, इसमें वैष्णव आते हैं, इसमें शैव भी आते हैं, इसमें कर्मकांडी आते हैं, इसमें चार वर्ण भी आते हैं। वामाचार इसको कह सकते हैं एक अलगार, वामाचार को कह सकते हैं बगावत, वामाचार को कह सकते हैं नकार देना। नकार देना किन चीज़ों को, जिन चीज़ों के बारे में कहा गया है और अंधों की तरह लोग फॉलो करते हैं उसको नकार देना। जो राइट हैंडेड लोग है, जो राइट हैंडेड पाथ है, जो कल्ट है दक्षिणाचार को, उसको चैलेंज करना, उसको वामाचार कहा जाता है। वाम यानी दक्षिण या वाम यानी लेफ्ट। तो उनका कहना यह है कि जब तक मैं अपने आप अनुभव नहीं कर लेता तब तक मैं उस चीज़ को नहीं मानूंगा। तो करते करते इस दक्षिणाचार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंक्लूड हो गई
जो सामान्य लोगों के लिए, सामान्य लोगों की समझ के लिए बहुत परे थी। इसका अगर मैं एग्जांपल देने जाऊं तो शाक्त पंथ या फिर कौल पंथ। कौल पंथ एक पंथ ऐसा है जहां पे शिव और शक्ति दोनों को एक साथ पूजा जाता है। शाक्त पंथ वो है जहां पे शक्ति की आराधना की जाती है, शक्ति के विभिन्न अवतारों की, विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। जैसे तीन गुण हैं सत्व, रज और तम, उसी तरह से इन दक्षिण और वाम पंथ को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ पे सात्विक चीज़ें जो है वो दक्षिण पंथ में आती है, तामसिक चीज़ें जो है वो वाम पंथ में आती है, और राजसिक जो चीज़ें हैं वो मध्यम पंथ में आती है। मध्यम पंथ वो है जहाँ पे वाम और दक्षिण दोनों का मिलाप होता है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे ये कह रहा था कि जैसे कौल मार्ग में या फिर शाक्त मार्ग में पंचमकार को बहुत महत्व दिया गया है। जिन चीज़ों को दक्षिण पंथ में घृणास्पद के रूप में देखा गया है, हेड्रेश के रूप में देखा गया है, उन चीज़ों को इस्तेमाल करके फाइनल एनलाइटनमेंट हासिल की जा सकती है, ये वाम पंथ का सिद्धांत है। जैसे पंचमकार, मध्य, मास, मादी, मैथुन, मंत्र सिद्धि। एक बार और कहूँगा, पंचमकार जो बहुत कॉमनली प्रैक्टिस किया जाता है वाम पंथ में, वो है मध्य, मास, मादी, मैथुन, मंत्र सिद्धि। मंत्र सिद्धि यानी एनलाइटनमेंट। अब मध्य यानी शराब या फिर सुरा जिसे कहते हैं, दक्षिण पंथ में इसको बहुत ज्यादा त्याज्य या फिर इसको घृणित नजर से देखा जाता है। उसी चीज को वाम पंथ में एक साधन की तरह उपयोग किया गया है। मांस, जिससे हर दक्षिणपंथी दूर रहता है, किसी जानवर का मांस या फिर मत्स्य यानी मीन यानी मछली, उसको भी घृणित नजर से दक्षिणपंथी देखते हैं, लेकिन वामपंथी उसका उपयोग किया, वामपंथ में उसका उपयोग किया जाता है। मादी, जहाँ पे ये समझा जाता है दक्षिणपंथ में कि मादी या फिर औरत के वश में होने के बाद कोई सिद्धि नहीं मिल सकती या फिर कोई एनलाइटनमेंट नहीं हो सकती, वहीं उसी चीज़ को वामपंथियों ने अपनी साधना में स्त्री को सर्वोच्च स्थान देके, भैरवी का स्थान देके मुद्राएं अंकित की और उन मुद्राओं की उपासना की, जैसे योनि पूजा होती है या फिर लिंग पूजा होती है, वो सब वाम पंथ में आता है। मैथुन, जिसको एक ऑब्स्टैकल के रूप में दक्षिणपंथी देखते हैं, उसको एक तरह से बंधन के रूप में दक्षिणपंथी देखते हैं, उसी चीज को वामाचार में सबसे बड़ी क्रिया जहाँ से मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है उसके लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे वामपंथ का मानना है कि हमारे मूलाधार में कुंडलिनी है और हमारे सहस्त्रार में शिव है, उन शिव और शक्ति का मिलन यानि एनलाइटनमेंट यानि उस सिद्धि को प्राप्त करना। तो दक्षिण पंथ को बुरा समझना या फिर वाम पंथ को घृणास्पद समझना, ये कोई डिबेट का विषय नहीं हो सकता। ये अपने अपने मार्ग है, जैसा साधक, जैसी साधना, जैसी उसकी उपासना और जैसा उसका देवत, उस तरह से उस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी खासियत यही रही है कि यहाँ पे नास्तिकता को भी उतना ही सम्मान से देखा गया, चार्वाक तत्वज्ञान को भी उतना ही सम्मान मिला जितना वैष्णव पंथ को मिला, जितना शैव पंथ को मिला, जितना वाम पंथ को मिला। तो ये बहस व्यर्थ की है कि वाम पंथ सही है या फिर दक्षिण पंथ सही है, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन तरीका अलग है, उनके मार्ग अलग है, उनके साधन अलग है, उनकी साधनाएं अलग हैं। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो कृपया कमेंट में ज़रूर कहिएगा। धन्यवाद।